हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक फिल्म का कितना लेती है भोजपुरी हीरोइंस? आज भोजपुरी फिल्मों के एक्ट्रेस की बात करेंगे। अपने टैलेंट के दम पर भोजपुरी हीरोइंस की फीस 1 लाख से 9 लाख रुपए तक है। अमरपाली दुबे। अमरपाली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है। इन्होंने काफी कम वक्त में भोजपुरी फिल्मों में अच्छी पहचान बना ली है। एक फिल्म के लिए भी 7 से 9 लाख रुपए तक चार्ज करती है। मोनालिसा। मोनालिसा को अंतरा विश्वास के नाम से भी जाना जाता है। वो कोलकाता की रहने वाली है। मोनालिसा हिंदी, बंगला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी है। मोनालिसा को एक फिल्म के लिए 5 से 7 लाख रुपए तक मिलते हैं। रानी चटर्जी। रानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की फेमस हीरोइन है। वे मुंबई की रहने वाली है। रानी एक फिल्म के लिए 6 से 8 लाख रुपए तक लेती है। इनकी पहली फिल्म साल 2003 में ससुरा बड़ा पैसे वाला थी। काजल। काजल ने 2013 में रिहाई से भोजपुरी फिल्मों में कदम रखा। काजल मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। उसने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। काजल 5 से 6 लाख रुपए तक एक फिल्म के लिए लेती है। प्रियंका। प्रियंका का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। फिलहाल वे भोजपुरी के साथ साथ गुजराती फिल्मों में भी काम करती है। ये साल 2013 में जीना तेरी गली में से भोजपुरी फिल्मों में आई। प्रियंका की फीस 4 से 5 लाख रुपए है। पाखी हेगड़े। पाखी एक फिल्म के लिए 2 से 4 लाख रुपए तक लेती है। पाखी मुंबई की है और उन्होंने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव से शादी की है। पाखी भोजपुरी के साथ साथ कन्नड़ फिल्मों में भी काम करती है। रिंकू घोष। रिंकू घोष भोजपुरी की सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। इन्होंने अजय देवगन की हिम्मत वाला में भी आइटम नंबर किया था। वे एक फिल्म के लिए 2 से 3 लाख रुपए तक की फीस वसूलती है। अंजना। अंजना मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अंजना ने भोजपुरी चैनल मोहो में एक सीरियल से शुरुआत की थी। भोजपुरी फिल्म में इन्होंने रवि किशन के साथ पहली फिल्म एक और फौलाद में काम किया था। वे एक फिल्म के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए तक लेती है। तो दोस्तों, यह थी भोजपुरी हीरोइंस के मेहनताने की बात। आप बने रहे YRY टीम के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।